पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने राजस्थान में सचिन पायलट के एक दिन के अनशन पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, ये भारत जोड़ो तो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए। दरअसल जितेंद्र प्रसाद आज मुरादाबाद पहुंचे थे जहां पर पिछड़ा वर्ग मोर्चे के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जितेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सचिन पायलट पर जुबानी हमला बोला। पार्टी द्वारा हमारे ओबीसी मोर्चा और तमाम संगठन महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती के अवसर पर यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया था और उसी पे सभी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि हमारे साथ माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी प्रभारी सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। विचारों का आदान प्रदान महात्मा ज्योतिबा जी के जो विचार उनका उद्देश्य सभी पे चर्चा भी हुई, नमन की और श्रद्धांजलि भी दी गई और आगे की रूपरेखा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में कार्य चल रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमारी प्रक्रिया चल रही है और आज भी संगठन के और सभी आवेदक और कार्यकर्ताओं से भेंट होगी और आवेदन लेके उस पर विचार विमर्श करके उनको सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश नेतृत्व को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। सचिन पायलट भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे एक दिन के लिए। सचिन पायलट एक दिन के लिए अनशन पर बैठे हैं। हाँ, नहीं तो बिल्कुल, वो तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर और पहले भी कहते आए हैं ये भारत जोड़ो तो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।